हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है आकाश और आज की इस वीडियो में आपको पांच ऐसी वेबसाइट दिखाऊंगा जो आपका माइंड बिल्कुल ब्लो कर देंगी। गाइस, हुआ क्या कि आज सुबह मैं अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए कुछ इंस्पिरेशन ढूंढ रहा था, नेट पे इधर उधर सर्च कर रहा था, तो मेरे को कुछ ऐसी वेबसाइट्स मिली हैं आज जिनको देख के मेरा दिमाग एकदम खराब हो चुका है इस टाइम। इतनी कूल वेबसाइट्स और इतना बढ़िया बना रखा है बंदों ने, तो यार मेरे को लगा कि आपके साथ भी शेयर करना चाहिए मेरे को इन वेबसाइट को। तो वीडियो शुरू करते हैं। जो सबसे पहली वेबसाइट है वो बनाई है इस बंदे ने, जिसका नाम है ब्रूनो साइमन, और चेक करते हैं इसकी वेबसाइट। तो यार ये इसकी वेबसाइट है भाई साहब, यार ये इसकी पोर्टफोलियो वेबसाइट है, और देखो इसने कितनी कमाल की वेबसाइट बनाई है। यूज योर कीज टू मूव अराउंड, यहाँ पे इसने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कि शिफ्ट से बूस्ट है, स्पेस से ब्रेक है, एम से म्यूट है, आर से रीसेट करने का आर अगर आपको। तो यार बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपको कोई इंटरेक्टिव वेबसाइट्स बनानी है तो ये देखिए, ये एग्जांपल है कैसे इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाई जाती है। यहाँ पे इस भाई के प्रोजेक्ट्स हैं, तो वहाँ पे हमें जाना पड़ेगा कार को लेके। अगर उसके प्रोजेक्ट्स देखना तो कार को वहीं लेके जाना पड़ेगा। तो यार ये गाड़ी पे चल नहीं रही है मेरे से। तो भाई ये इसके प्रोजेक्ट्स हैं, ये पहला प्रोजेक्ट है इसका, ये एक और प्रोजेक्ट है। इसको तुम यहाँ से ओपन करना है तो गाड़ी को पार्क करके एंटर करना पड़ेगा। सारे इसके प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, देख रहे हो यार कितनी मेहनत करी हुई है इस बंदे ने, मतलब कितने घंटों की कोडिंग करी होगी ये पूरी वेबसाइट को डिजाइन करने में, और सबसे पहले ये इतना बढ़िया आइडिया आया कैसे होगा बंदे को। मुझे तो लग रहा है गेम डेवलपमेंट का बंदा आ गया है वेबसाइट्स बनाने। यार ये बहुत तकड़ी लग रही है वेबसाइट यहाँ पे। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे इसके लिए इसने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो वहाँ चलते हैं इन्फॉर्मेशन के पास। अच्छा तो ये इसके लिंक्स हैं, लिंक्डइन, ट्विटर और मेल वगैरह है यहाँ पे। तो यार ये पूरी बहुत ही तगड़ी वेबसाइट बना रखी है भाई साइमन भाई ने। ये फंस गई है गाड़ी, इसको बैक देखते हैं लेफ्ट साइड में क्या है। ओके, ये भाई इसने प्लेग्राउंड ही बना रखा है गाड़ी से खेलना है गाड़ी से। खेलो और फिर यहाँ रीसेट करके रीसेट कर दो। तो यार ये देखो कितनी कूल वेबसाइट है। आपको अगर बनानी है अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट तो आप यहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि ऐसा कुछ क्रिएटिव माइंड अगर आपका है तो यहाँ से कुछ सोच के बना सकते हैं। तो पहली वेबसाइट तो ये है इस। तो यार जो दूसरा बंदा है ना उसका नाम है रोबिन लियोनार्डी। तो यार ये बंदा है रोबिन लियोनार्डी, और इसकी वेबसाइट देखोगे ना आप, दिखाता हूँ मैं इसकी वेबसाइट। तो ये इसकी वेबसाइट है, इसके अंदर इसने तीन अलग अलग लिंक्स दे रखे हैं जो तीन इसको चीज़ें आती है उसके लिए अलग अलग। एक रिज्यूमे इंटरेक्टिव, एक इलस्ट्रेशन पोर्टफोलियो है इसका, और एक डिज़ाइन का पोर्टफोलियो है। तो तीनों अलग अलग पोर्टफोलियोज इसने बना रखे हैं। तो पहले इंटरेक्टिव रिज्यूमे दिखाता हूँ आपको इसका। तो यार आपने अगर कभी मारियो खेली है ना तो आपको ये थोड़ा सेम सेम लगेगा, कुछ कुछ इंस्पिरेशन इस बंदे ने मारियो से लिया, कुछ कुछ क्या सारी लिए। तो स्क्रॉल डाउन और माउस और प्रेस कीबोर्ड डाउन नैरो, ओके। तो अगर हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो लेवल 1 आया है, उसके अंदर है इसके बारे में अबाउट पेज, इसके अंदर इसने बता रखा है इसकी स्किल्स, डिज़ाइन, इलस्ट्रेशन, कोड, एनिमेशन, और उसकी क्या लेवल की स्किल्स हैं। और जब आप और स्क्रॉल करोगे तो भाई ये जाता है फिर सेकंड, ओके, लेवल 2 पे, जिसके अंदर इसकी है ग्राफिक और वेब सॉफ्टवेयर जो ये यूज़ करता है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, स्केच और फिग्मा, उसमें कितना इसका लेवल है एडवांस, एक्सपर्ट, इंटरमीडिएट के हिसाब से। तो आगे और स्क्रॉल करोगे तो ये इसकी वेबसाइट है जो इसने बनाई है बैठ के, मतलब ये सारा कोड किया हुआ है इस बंदे ने खुद ही। तो सेकंड में इसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बता रखी है अपनी, HTML, CSS, JavaScript और jQuery ये यूज़ करता है, और जो ये वीडियो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करता है उसके बारे में इसकी कितनी क्या। ओ भाई साहब,
ये देख रहे हो साइड में ये चीजें, ये भी यहाँ पे भी एनिमेशन चल रही है साथ साथ जैसे जैसे मैं स्क्रोल कर रहा हूँ। बहुत सही यार, बहुत ही इनक्रेडिबल लगी मेरे को ये वाली वेबसाइट भी इसकी। तो यार ये तो है इस बंदे का सेकंड, और ये थर्ड है इसका डिजाइन पोर्टफोलियो। इसमें भी इसने पूरी मेहनत कर रखी है। HTML, CSS, JavaScript, jQuery, ये सब मास्टर कर रखी है इस बंदे ने। यार ये इसका डिजाइन सेकंड वेबसाइट। यार तीसरी जो वेबसाइट है वो बनाई है इस बंदे ने, जिसका नाम है जेसन लैंगस्ट्रॉफ। ये बंदा है यार, तो अब इसकी वेबसाइट चेक करते हैं। तो यार ये देखो इस बंदे की वेबसाइट, तो लिटरली आपका इसका माइंड ब्लो करेंगे तो हमारा माइंड ब्लो हो जाएगा। पीजे ये देखो, साउंड इफेक्ट्स देखो यार कितने तगड़े वाइब हैं। ये जैसे अब होवर करते हो अपना कर्सर, तो ये होवर इफेक्ट्स इसने डाले हुए हैं CSS से, साउंड इफेक्ट्स। ये देखो नाइट मोड, सिंपल क्लिक से सब डिजाइन, डार्क मोड और नाइट मोड। बारे में बता रखा है अपने प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे इसके हैं, ये सब डाले हुए हैं इसने, ये नीचे जो इसने काम करा हुआ है, जो ये डेवलप ये टीचर है। तो यार ऐसी अगर आप पोर्टफोलियो वेबसाइट अपना बनाना चाहते हो तो कुछ आप ऐसा बना सकते हो इतना कि आपको स्टार्टिंग में ही बंदा देखते ही उसको समझ आ जाए कि आपको फ्रंट एंड आती है और आप काफ़ी अच्छे, आपकी स्किल्स काफ़ी तगड़ी हैं। अगर आप ये ऐसे इस चीज़ में आप शो ऑफ कर सकते हो जितना ज़्यादा उतना बेटर है। तो यार ये है जेसन लैंगस्ट्रॉफ की वेबसाइट, तो तीसरी वेबसाइट हो गई। अब जाएंगे हम फोर्थ वेबसाइट की। चौथी वेबसाइट जो बंदे की है उसका नाम है अल्बिनो टोनिना। तो यार उस ये बंदा है, दिस इज दी गाय अल्बिनो टोनिना, वेब डेवलपर है एक, और इसकी वेबसाइट देख, इसकी वेबसाइट देखते हैं। तो यार ये इसकी वेबसाइट ना स्क्रॉल वाली वेबसाइट है कि स्क्रॉल करते रहो आप, इनफिनिट स्क्रॉल है इसके अंदर, इनफिनिट नहीं है फाइनाइट ही है। तो इसमें इसने पूरी स्टोरी बता रखी है अपनी, जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते हैं वैसे वैसे इसकी स्टोरी शुरू होती है। आई हैव बीन अ फ्रीलांसर, आई एम एन एम्प्लॉय एंड एन एंटरप्रेन्योर। 2014 में आई लेफ्ट रोम एंड मूव टू लंडन विद अ प्लेन एक्चुअली। ओके, तो इसने भाई अपनी पूरी कहानी इसके अंदर बता रखी है अपने बारे में, जितना कुछ है सब आप स्क्रॉल करते रहो और सारा कुछ इसके बारे में आपको पता चलता रहेगा। और लास्ट में कॉन्टैक्ट में डाला हुआ है इसने, कॉन्टैक्ट डाला हुआ है, प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं डाले हुए, और इसका कोड भी डाला हुआ है वेबसाइट का। तो अगर आप कोड भी देखना है तो ये इसका गिटहब का कोड भी इसने बंदे ने डाला हुआ है। और यार जो लास्ट वेबसाइट है ना वो काफ़ी फनी वेबसाइट है, और ये इस बंदे ने बनाई है, इसका नाम है बेन हाल्पन, और ये एक कैनेडियन सॉफ्टवेयर डेवलपर है हु थिंक्स ही इज फनी, जो उसने अपने बायो में लिखा हुआ है। और यार इसकी वेबसाइट चेक करते हैं, तो यार ये इसकी वेबसाइट है, इसमें फनी क्या है जब आप उसको स्क्रॉल करते हो ना तो एक आवाज़ आती है बहुत फनी। अगर आपको इसके लिंक्स ढूंढने हैं तो उनको आपको कैच करना पड़ेगा, जैसे लिंक्डइन का लिंक है इसको पकड़ के, आप लिंक्डइन का लिंक खोल सकते हो इसके लिंक्डइन प्रोफाइल की। अगर आप अपने एम्प्लॉयर को ये वेबसाइट भेज रहे हो तो तब ऐसी वेबसाइट्स मत बनाओ, पर ये फन के लिए काफ़ी बढ़िया है। यहाँ से डायरेक्ट आप क्लिक करोगे चैट नाउ पे, ये वीडियो खुलता है। Guys, that's all for this video. अगर आपको ये वेबसाइट अच्छी लगी है तो आप इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं अपनी खुद की एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने के लिए। पोर्टफोलियो वेबसाइट काफ़ी ज़रूरी है आजकल के इस टाइम पे जहाँ इतना ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आप एक फ्रीलांसर हो या अगर आपको जॉब चाहिए तब भी आप अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट ज़रूर बनाओ।
क्योंकि सिंपल एक रिज्यूमे से आजकल जॉब्स नहीं मिल रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, और उनसे उनका उनके रिव्यूज़ लो कि कैसे लगे उनको ये वेबसाइट्स, और खुद भी आप इन वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।